बाबा की याद में रह करके भोग भोग हो इंद्रियों के, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सत्युग में जो जन्म लेगा पहला पत्ता, तो उसको इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा जरूर होगी। आंख से सुख भोगता है, दृष्टि से, तो जो दृष्टि से सुख भोगना ये भी तो एक अंग है, है? हाँ, सूक्ष्म अंग है, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है हुई है काम अनंग। क्या वो स्थूल अंग का रूप धारण नहीं करेगा, दृष्टि का रूप धारण करेगा, दृष्टि से ही सुख लेंगे। कोई आंखें थोड़ी आंखों के ऊपर चढ़ बैठती हैं, नहीं, ये जो आंखों से ज्योति निकलती है ना, और दूसरी आंख से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति ज्योति आपस में वाइब्रेशन वाइब्रेशन आंखों का टकराता है, उसको वाइब्रेशन को, आंख के वाइब्रेशन को, आंख की ज्योति को अंग कहेंगे? नहीं, अनंग है। तो ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं, सत्युग में भी काम होता है, इसलिए शंकर क्या क्या बताए, पशुपतिनाथ के बाजू में हाँ वो कामदेव दिखाया गया, गलत दिखाया गया क्या? हाँ नहीं, प्लीज सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus पर भी फॉलो करें, LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।